हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंडर रोप्स। मैं गौसी अरशद। आज डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ फैब्रिक्स विंटर के बारे में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब मैं पहले सबसे पहला जो क्लॉथ मटेरियल लाई हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। ये कॉटराइज है और ये स्ट्रिप में है, लंबी लंबी स्ट्रिप में है, ब्लैक और वाइट है। इसका आप प्लाजो सूट भी बना सकते हैं, इसके साथ आप प्लेन सूट भी बना सकते हैं, इसका आप पोंजू बना सकते हैं, इसको आप कोट भी बनवा सकते हैं, इसकी कोट बहुत अच्छा लगता है, शर्क भी बनवा सकते हैं। इसको आप विंटर के मतलब से डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स में बनवा सकते हैं और इसके साथ दोनों कलर जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये वाइट भी बहुत अच्छा लग रहा है और इसके साथ मैं वेलवेट लाई हूँ ब्लैक। जो मैं बनाऊंगी वो मैं ब्लैक वेलवेट लाई हूँ, तो मैं इसके साथ ब्लैक वेलवेट लगाऊंगी। और अगर आप चाहें तो इसका वन पीस ड्रेस भी बना सकते हैं। दूसरी जो फैब्रिक है मेरे पास वो ये भी कॉटराइज है, इसमें भी लाइनिंग है, इसको आप देख सकते हैं, इसकी मैं फ़ोटो डाल दूंगी। इसमें भी लाइनिंग है लेकिन ये प्रिंटेड है। ये प्रिंटेड कॉटराइज बहुत ही गर्म भी करती है और बहुत अच्छी होती है। इसके भी आप बहुत सारे ड्रेसेस बनवा सकते हैं। इसके लिए भी आप सूट है, जैकेट है, शर्ग है, ये सब चीज़ आप बनवा सकती हैं और इसके साथ आप इसमें कई कलर की मैचिंग कर सकते हैं। ये प्रिंटेड बहुत खूबसूरत लगता है बनके। इसमें येलो है, इसमें येलो कलर भी जाएगा, वाइट भी जाएगा, इसमें ब्लू भी जाएगा या पिंक भी जाएगा। इसमें जितने कलर हैं इसमें ये सारे कलर का आप कम्बिनेशन कर सकते हैं। पर मुझे जो सबसे अच्छा कलर और कम्बिनेशन लगा वो मैं येलो का लगा रही हूँ। मैं उसमें ये येलो कम्बिनेशन दे रही हूँ। आप चाहें तो इसमें ये ब्लू कम्बिनेशन भी दे सकते हैं। तीसरा ये चेक में मैं कॉटशुल के कपड़े ली हूँ। कॉटशुल है ये आप देख सकते हैं कि ये दो मैं चेक में लाई हूँ। ये एक ब्लैक और रेड चेक में है। इसके ज़्यादातर पोंजू बनते हैं, सूट भी बनते हैं और ज़्यादातर शर्ट में ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जेंट शर्ट में बच्चों के ऊपर ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और इसको भी आप डिफरेंट टाइप से बना सकते हैं। इसमें मैं दो चेक वाला ली हूँ। ये दोनों कॉटशुल मटेरियल है, ये ब्लैक एंड वाइट पे है और ये रेड और ब्लैक पे है। इसके साथ आप ये कोई भी कम्बिनेशन कर सकते हैं। मैं इस पर ब्लैक ले जाऊँगी, ये दोनों पे ब्लैक लोअर बहुत अच्छा लगेगा। मैं इसका अपर बनाऊंगी। मैं अभी आपको बना हुआ नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि ये अभी सारे वेस्ट हो जाएंगे, इसलिए मैं सारे मटेरियल जो भी लाई हूँ मैं बनाने के लिए वो मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको आइडिया भी लग जाएगा कि किस किस पे क्या कलर जाएगा, कौन से मटेरियल किस तरह से बनाने से अच्छे लगेंगे। तो ये दोनों कॉटशूल हैं, चेक में है और इसका कलर कम्बिनेशन बहुत अच्छा है। इसके साथ आप डिफरेंट कलर के कपड़े को पेयर अप कर सकते हैं। आप इसमें वेलवेट भी लगा सकते हैं, आप इसमें कॉटन भी लगा सकते हैं और आप इसमें कॉटराइज या और किसी भी तरह का इसका प्लेन भी लगा सकते हैं। प्लेन कॉटशूल भी आप इस पर यूज़ कर सकते हैं लोअर के लिए। चौथे मटेरियल के बारे में जो मैं आपको बता रही हूँ तो ये भी कॉटराइज है, लेकिन ये कॉटराइज में ये छपाई वाला है ये कॉटराइज, लेकिन ये काफ़ी अच्छा होता है, ये धुलने पे ये निकलता नहीं है और इसमें एक चमक है, शाइन है, जो इसको आप पहनने पे ये बहुत अच्छा और पार्टी वेयर ये लुक देगा। इसका कोट भी बहुत अच्छा बनेगा, इसका शर्क बहुत अच्छा बनेगा, सूट तो बनेगा ही, प्लाजो भी बनेगा। इसको आप डिफरेंट टाइप से बना सकते हैं, जो भी आपको दिल चाहे, लेकिन ये कपड़ा बहुत अच्छा है और ये कम में, जैसे आप
रेडीमेड सूट पीस लेते हैं 2000 3000 4000 ऐसे मिलेगा, वर्क वाला लेते हैं वो उससे भी ज़्यादा हाई रेंज में मिलेगा। लेकिन ये कॉटराइज जो ये छपाई वाला है इसमें डिज़ाइन भी है, ये शाइन भी कर रहा है और इसमें पूरे में है, ये पूरे में एक जैसा है। तो ये आप बनाने से इसमें कोई वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये कंफर्टेबल भी रहेगा और ये बनने के बाद आप चाहें तो इसे फुल बना लें, वन पीस बना लें, या इसे आप इसके नीचे आप प्लेन दे दें। और मैं इसके नीचे प्लेन लगाऊंगी ब्लू कलर का और इसकी मैं ऊपर कोट स्टाइल की कुर्ती बनाऊंगी। कोट स्टाइल की कुर्ती इस पर बहुत अच्छी लगेगी। आज के वीडियो में जो लास्ट फैब्रिक के बारे में मैं बता रही हूँ वो वेलवेट है, वो प्लेन डिफरेंट कलर के वेलवेट के बारे में बता रही हूँ। प्लेन डिफरेंट कलर के वेलवेट से आप मैच करके बहुत सारे डिज़ाइन डाल के आप बना सकते हैं ड्रेस। और प्लेन वेलवेट के बहुत सारे कोट बनता है, आप टू पीस बना सकते हैं, नाइट ड्रेस बना सकते हैं, आप कोट स्टाइल कुर्ती बना सकती हैं, सूट तो बन ही सकता है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ शैनील में क्या होता है कि शैनील भी अच्छी होती है, प्रिंटेड होती है, लेकिन वो स्ट्रेचेबल के साथ वो लटक जाती है। लेकिन वेलवेट में वो बात नहीं होती है, वेलवेट लटकता नहीं है और फिटिंग काफ़ी अच्छी आती है। तो इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं 4-5 कलर के लाई हूँ जिसको मैं बनाऊंगी। ये ब्लैक है, ये आप देख सकते हैं कि ये इंक ब्लू है, इंक ब्लू का कलर बहुत ही अच्छा होता है, ये वाइट के साथ और पिंक के साथ बहुत अच्छा लगता है। मैं इसे वाइट के साथ पेयर अप करके बनाऊंगी। ब्लैक के साथ तो आप मल्टी कलर दे सकते हैं, कोई भी कलर से बना सकते हैं। ये रॉयल ग्रीन है, ये तीसरा कलर है, चौथा कलर ये रॉयल ब्लू है। अब ये सब वेलवेट में मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप सब कुछ बना सकते हैं। और उसके साथ आप ये मैं आपको एक डिज़ाइनर गाउन दिखा रही हूँ, गाउन तो नहीं नाइटी बोलूँगी इसे, आप इस टाइप की नाइटी भी बना सकती हैं। ये मैं ये मेरी बनी हुई है, रेडीमेड है, पर मैं आपको इसे डिज़ाइन के लिए दिखा रही हूँ। आप इस तरह का गला दे सकते हैं, स्लीव्स दे सकते हैं, और ये वर्क किया हुआ है, आप वर्क के जगह पे आप लेस लगा सकते हैं, आप यहाँ पे गोटा वर्क कर सकते हैं, नेक डिज़ाइन में कुछ भी कर सकते हैं। प्लेन वेलवेट में डिफरेंट टाइप्स की ड्रेसेस बन सकती है, डिफरेंट स्टाइल कर सकते हैं, गोटा पट्टी का स्टाइल दे सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, और लेस का तो काफ़ी डिज़ाइन लग सकता है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो इसी के साथ ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो आज का पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।